भिवानी में आज पीटीआई अध्यापकों के समर्थन में तालमेल कमेटी ने जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद धर्मवीर सिंह के निवास का घेराव किया। कर्मचारी नेताओं ने कहा कि अगर सरकार ने उनकी नहीं सुनी तो जैसे उन्होंने सरकार बनाई थी वैसे ही सरकार गिरानी भी आती है। घेराव के दौरान भारी पुलिस बल सांसद निवास के बाहर जमा हो गया। पुलिस ने कर्मचारियों को रोका तो कर्मचारी नहीं रुके, पुलिस को धक्का मारकर कर्मचारी सांसद निवास पर पहुंच गए। उन्होंने जमकर सरकार विरोधी नारे भी लगाए। पार्लियामेंट के हिसाब से पीटीआई है, हम इनकी बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एज इट इज भेजेंगे। ये भी बेचारे गरीब हैं, कोई कानून की अवहेलना ना हो और इनकी बात पूरी हो जाए। हमारी जो बात है तुम अलग से जो मांग पत्र दे दो, उस मांग पत्र को एज इट इज हम लोकसभा के मार्फत प्रदेश की सरकार के पास भेजेंगे। उसमें कोई ईफर बट हम कोमा नहीं हटाएंगे, वो लिख के दे दो। आप जो तुम्हारा है यू का यू पत्र, हम जब हमारी लोकसभा चलेगी उससे पहले कहोगे तो हम तो आज ही फिक्स कर देंगे। लेकिन आपका मांग पत्र हम सांसद के आश्वासन से संतुष्ट नहीं है बिल्कुल भी। सांसद कोविड-19 का बहाना लेकर के, संसद बैठेगी इस चीज़ का बहाना लेकर के इस चीज़ को टाल रहे हैं। हम सांसद से मांग करते हैं, आप सरकार का एक अभी नई अंग है, आप खट्टर साहब से बात करें, क्योंकि 1983 पीटीआई जो आज सड़कों पर है, इन पीटीआई ने आपको सांसद बनाया है। आप सांसद कोई पैराशूट से बन के नहीं आए, राष्ट्रवाद का बहाना लेकर आप मत तो हथिया लेते हैं हमारा, मगर जब रोजगार की बात स्वयं वहाँ पर आपके प्रदर्शन के बीच में आए हैं, ज्ञापन लिया है, आपका आश्वासन दिया है, आश्वासन दिया है सांसद महोदय ने, बिल्कुल दिया है, लेकिन उस सांसद महोदय के उस आश्वासन से हम कर्मचारी संतुष्ट नहीं है। हमें ठोस आश्वासन दे सांसद महोदय, सांसद महोदय से अपील करते हैं। उसने आश्वासन नहीं दिया गया, वही मतलब लिपापोती की गई है। हम ये चाहते हैं कि हमारी नौकरी उसी हिसाब से बहाल की जाए जैसे हम पहले थे, लेकिन एक पॉलिटिक स्टंट के तहत मतलब वो बनावटी बातें करते हैं। हमसे इनको बार बार गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन इन लोगों के कान पर जू नहीं देखती है। पॉलिटिक्स घुसी हुई है कांग्रेस वर्सेस भाजपा और उसके अंदर हम पिस रहे हैं। बार बार हमें निमंत्रित करते हैं सरकार से कि हमें बहाल करो बहाल करो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि हमारा आमना सामना होगा और उसके अंदर पता नहीं क्या अंजाम होगा। ये सरकार इस बात को लिए मानने के लिए हमें बाध्य कर रही है। और अनुशासन बना था, आज अनुशासन टूटता हुआ दिखाई, टूटता हुआ नहीं सर, बिल्कुल हमारी मतलब ये साहस ऐसा टूटता हुआ नहीं है, बिल्कुल टूटता हुआ नहीं है, लेकिन क्या करे, एक मरता हुआ क्या नहीं करेगा। जब रोजी रोटी को लाला पड़े हुए इसने समाज के 2000 परिवार के अंदर, हमारे एक एक परिवार के अंदर 20-20 आदमी क्या करेगा वो, या तो रोजगार मिले फिर मरे। राजवीर डागर फ्रॉम महेंद्रगढ़, पीटीआई 2010।